दोस्तों नमस्कार। चुनाव नामांकन का आखिरी दिन अब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से स्नेहा दुबे को वसई से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। महायुति के प्रत्याशी के तौर पर स्नेहा दुबे का नाम आया और स्नेहा दुबे जो कि विवेक पंडित जो पूर्व विधायक है उनकी पुत्री है और साथ ही साथ श्रमजीवी संगठन उसकी अध्यक्षा भी है। तो स्नेहा दुबे के यहाँ मैदान में आने के बाद में यहाँ भी एक बार दिलचस्प मामला होता दिखाई दे रहा है। यहाँ की भी टक्कर जो है एक बड़ी टक्कर होती दिखाई दे रही है। वसई में अब जो प्रत्याशी बड़े बड़े नाम जो सामने आए हैं बहुजन विकास आघाड़ी से हितेंद्र ठाकुर, कांग्रेस से विजय पाटिल और महायुति से स्नेहा दुबे। तो स्नेहा दुबे की भी अब नामांकन भरने की तैयारी जारी है। स्नेहा दुबे अपने साथ एक रैली में वसई बस डिपो से निकली है और थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। उनका नामांकन प्रक्रिया होगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं इस पूरी रैली के बारे में। खुद प्रत्याशी स्नेहा दुबे ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ दूसरे पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैडम क्या कहेंगे, मायावती ने आपको प्रत्याशी बनाया, क्या आपके विजन है, क्या आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महायुति की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये उम्मीदवारी दी है। और हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। जो विकास 30 साल में इस वसई का नहीं हो पाया वो महायुति की सरकार में हम करेंगे और वसई का परिवर्तन हम करके रहेंगे। मैडम अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? यहाँ अभी बहुपक्षीय लड़ाई है, आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? ऐसा हम क्या मुकाबला किससे होगा ये जनता तय करेगी और हम जीतेंगे, इतना मैं आश्वासित करती हूँ। और नाला दुबारा से राजन नाईक, यानी कि एक तरफ महिला उम्मीदवार एक तरफ सशक्त उम्मीदवार, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जब से मोदी सरकार आई तब से उन्होंने महिला और युवा ये दोनों को सशक्तिकरण करने का उन्होंने जो निर्धार किया था, आज उसके उदाहरण स्वरूप आज वसई से हमारी एक महिला बहन को उम्मीदवारी दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की वसई पूरे तालुका की जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। 35 साल की सत्ता से यहाँ की जनता त्रस्त है और ये हमारे दोनों उम्मीदवार, दोनों नहीं तीनों, मतलब पुलसर से भी हमारा उम्मीदवार चुनके आएगा। आपको 23 नवंबर को यहाँ पे भगवा लहरा हुआ दिखेगा पूरे वसई तालुका। हम क्या कहेंगे, एक महिला उम्मीदवार को उतारा गया, क्या कहना चाहेंगे? वसई की इतिहास में ये हुआ है, 40 साल के बाद एक महिला विधायक बनने जा रही है। वसई तालुका में सभी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है इस डिसीजन से और महिलाएं अभी दिखाएंगी कि महिला के राज में क्या क्या बदलाव होते हैं। क्योंकि एक महिला जो घर में रहती है अपने परिवार को संभालती है, उसको मालूम होता है कि उसको किस चीज की उनकी जरूरतें हैं। छोटी छोटी चीजें रहती है जिसकी शुरुआत उनके घर से होती है। हमारी स्नेहा ताई दुबे जी जो हमारी कैंडिडेट है, वसई की कैंडिडेट है, वसई में पली बड़ी जन्म यहाँ पर हुआ है और ऐसी वसई की जिसको जानकारी है, वसई के वातावरण की जिसको जानकारी है, ऐसे महिला को यहाँ पे आज महिलाओं को करने के लिए महायुति ने उम्मीदवारी दी है। आप देख रहे हैं कितनी जोर शोर से यहाँ पे स्नेहा ताई दुबे हमारे भारतीय जनता पार्टी के महायुति के कैंडिडेट है, वैसे ही हमारे डाला सोपारा के कैंडिडेट है राजन नाईक जी। वसई में भी बदलाव होने वाला, परिवर्तन होने वाला है क्योंकि महिला राज अभी आया है और हम महिला वसई तालुका में बदलाव करके रहे। मैडम क्या कहेंगे, वसई से एक महिला शक्ति को महायुति ने टिकट दिया है, क्या चांसेस है, क्या लगता है आपको? आज एक भारतीय जनता पार्टी की महायुति जो है उस युति में एक 30 साल के बाद महिला को ये एक टिकट मिला है, उम्मीदवारी मिली है और हम लोग को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नेहा जी जीत के आएंगी। उनके पीछे उनके पिताजी का इतिहास है जो वसई से कम से कम 35 से 40 सालों से काम कर रहे हैं श्रमजीवी संगठन को लेके। और अभी डेढ़ दो महीने पहले मैंने एक ऐसे ही बाइट दी थी, उसमें मैंने कहा था कि औरतें सिर्फ झंडा पकड़ने के लिए और पैम्पलेट बांटने के लिए नहीं है। तो मैंने जो बाइट दी थी वो अभी आज सच हो गई है और सच्ची में महिला को सीट यहाँ पे मिली है। ये सीट हम लोग पूरी तरह से जीत के लाने की
सर क्या कहना चाहेंगे आपके उम्मीदवार के बारे में? ऐसा है कि वसई विधान के अंदर हमारे नाला सुपारा में राजेंद्र नाइक जी और वसई विधानसभा से स्नेहा दीदी जो खड़ी हो रहे हैं, बहन और भाई की जोड़ी दोनों जगह विजय दर्ज करेगी। और 35 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और यहाँ पे जो लोक त्रस्त है उन पर राहत मिलेगी और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी का जो मतलब सरकार चला है, उन्होंने ऐसा कानून चलाया है और हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ऐसा काम किया है कि जो कोई टक्कर में है ही नहीं, विरोधी है ही नहीं, विरोधी टूट गए और जहां मिल रहे हैं 10-10 मिल करके इकट्ठा खड़े हो तो भी नहीं पा रहे हैं। तो अमित शाह, मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, जनता के हित में काम कर रहे हैं। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज ही खत्म हो गया, जो गुंडाई करता है उसका घर तोड़वा दिया जाता है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी होगा, जो गुंडाई करेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा। ये देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है और शिंदे जी का कहना है। चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।